रविवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्त्री कल्याण सेवा समिति के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें विभिन्न ब्लॉकों से आशा कार्यकर्त्री इकट्ठा हुई। विरोध प्रदर्शन के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अगर हमारी मांगे सरकार नहीं मानती है तो आने वाली 25 मई से आशा बहुएं अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्ता कल्याण सेवा समिति ने कहा, मेरी मांगे पूरी हो, आशा एकता जिंदाबाद, आशा बन संघर्ष करो, आशा बन संघर्ष करो, हमारा वेतन निर्धारित करो। मामला ये है कि हम संगठन की अध्यक्ष चंदा यादव जी हैं। 2006 से आशा बहनों का चयन हुआ है, तब से कोई भी सरकार आई सब हमको प्रोत्साहन पर ही काम कराई। एक मजदूर के बराबर भी हमें मजदूरी नहीं मिलता है, और इस समस्या को लेके जो है माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गोरखपुर के सांसद रहे और इस समय मुख्यमंत्री हुए हैं, इनके पास हम मंदिर पर 16 बार हम ज्ञापन दे चुके हैं, इनसे हमारी मुलाकात हो चुकी, लेकिन बार बार मिलने पर यही आश्वासन होता है कि कार्रवाई हो चुकी है, प्रमुख सचिव को वार्ता के लिए भेज दिया गया है, मेरे मोबाइल पर मैसेज आ जाता है कि अध्यक्ष जी आपके मोबाइल पर चला गया है और मेहनत से आप काम करें, आपका जो है मांग हम पूरा करेंगे। और यह झूठी दिलासा देते देते काफ़ी दिन बीत चुके, 120 दिन का समय मांगे और काफ़ी दिन आज बीत चुके, हम आशा बहुएं जो हैं भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। और अब हम ऐलान कर दिए हैं, संगठन के अध्यक्ष ऐलान कर दिए हैं कि 25 मई को जो है पूरे देश में हड़ताल होगा और एक भी हमारी आशा बहनें काम नहीं करेंगी और सारे अभियान इनके हड़ताल होंगे। नए आई दस्तक अभियान, जेई टीकाकरण, फाइलेरिया और जो भी काम हमारी आशा बहनें कर रही हैं, एक पैसा उनको भुगतान सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है। जो भी ब्लॉक पर काम आ रहा है, जो भी किसी अधिकारी के मार्फत में काम आ रहा है, सारी आशा बहनों को ढकेल दिया जा रहा है कि ये आशा बहनें करेंगी, लेकिन हमको वेतन देने के लिए सरकार के काम तक जू नहीं जा रहा है। अब हम सारी बहनें जो हैं संघर्ष करने के लिए तैयार हो गए हैं और 25 मई को पूरे देश में हड़ताल करेंगे और सारी आशा बहनें अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिले पर हड़ताल करेंगी। गोरखपुर जनपद की तमाम सारी आशा बहनें जो नई ब्लॉक से चढ़ के आई थी और इस मांग को लेकर आई थी कि इतने दिन हो गया लेकिन आज तक हमें कुछ नहीं आश्वासन सही मिला।